एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो रैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चल रहा है देर रात। ये सभी चीजें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ आपको लेकर, इनके माध्यम से कैसा महसूस करा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आपको बस ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। तो बस आप अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा, उनका नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लीजिएगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, आपको याद करा या नहीं, किस तरह से और क्या। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में हैं, रहेंगे। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रहेंगी देर रात, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड द ड्रीम, बॉटम इज द आउटसाइडर, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की देर रात की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। सिज़ोफ्रेनिया, बॉटम इज सोरो, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की देर रात की एनर्जीज क्या हैं, रहेंगी। एडवेंचर एंड बॉटम इज हीलिंग, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं और रहेंगी। स्प्रेड गाइड प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। आइसोलेशन एंड बॉटम इज ट्रेवलिंग, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है और क्या रहेंगी। मोमेंट टू मोमेंट एंड गिल्ट एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी रिपनेस। तो व्यूअर, सबसे पहले राशियां, नंबर्स, मंथ, ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको भी आसानी हो पाए कि ये जान पाए कि ये रीडिंग कितनी आपकी है और कितनी नहीं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, उसके अलग ही आपका एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये हो गया आपका फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर्स जो मुझे खास बनते हुए दिखे वो हैं आपके 5, 6, 2, 9, 3, 8 एंड 9 अगेन, और मंथ जो काफ़ी खास बनते हुए दिख रहे हैं वो हैं आपके मई, जून, फरवरी, सितंबर, मार्च, अगस्त, फरवरी। तो ये मुझे मंथ्स आपके लिए काफ़ी खास बनते हुए दिख रहे हैं, और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ व्यूअर्स कि कैसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा, अपने पास्ट से रिलेट करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना होगा व्यूअर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये पर्सन किस एनर्जी में है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन होना हो अभी भी, जो भी एक वक्त पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ रहकर ख्वाब बुना था, संजोया था, बनाया था, उस ख्वाब में अभी भी ये पर्सन पूरी तरह से कैद हैं। वो ये पर्सन फील कर रहे हैं, यानी कि अभी भी इस पल भी इस पर्सन के थ्रू यही फील करा जा रहा है कि अभी भी ये आपसे जुड़े हुए ख्वाब से बाहर नहीं निकल कर आ पाए हैं, या बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं खुद से। क्योंकि आप देखिएगा, यहाँ पे दरवाजा तो है, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ताला, पहली चीज तो खुला हुआ है और अंदर लगा हुआ है, तो ये खोल सकते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर है इस इंसान की कि ये खुद से ही आपसे जुड़े हुए सपने से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, और इस चीज को लेकर खुद के ही मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, क्यों ये पर्सन आपको आज तक अभी भी छोड़ नहीं पाए हैं पूरी तरह से। इतना वक्त हो गया, इतनी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई, इतना कुछ आप लोगों के बीच में चीजें मेस्ड अप हो गई, फिर चाहे रीजन कोई भी कैसा भी क्यों ना बना हो, लेकिन स्टिल ये
कंफ्यूजन इस इंसान को काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। ये जो भी बाहर ना निकलने की इच्छा इनके दिल में है, यही इनके दर्द का कारण बने हुए है और उस चीज को इस इंसान के थ्रू काफी ज्यादा सोचा जा रहा है। मन में इनके ये चीजें भी हैं या ये पर्सन ये जान पा रहे हैं कि अगर अब इन्हें किसी चीज पर वर्क करना है तो वो अपने आप को हील करने पर, अगर ये हील हो जाएंगे, अगर ये अपने आप से कुछ ऐसा करते हैं, कोई ऐसा एडवेंचर करते हैं, कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो आज तक इन्होंने नहीं उठाया नहीं करा, तो डेफिनेटली ये हील भी हो जाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि जो आपका दिल कहता है करता है आपको वही करना चाहिए। अगर आप अपने दिल को फॉलो नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज से परेशान रहोगे या अंदर ही अंदर आपको अपने दर्द महसूस होता रहेगा। तो उस चीज को इस इंसान के थ्रू काफी ज्यादा रियलाइज करा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जैसे एक बच्चे का कंफर्ट जोन जो होता है वो उसका घर होता है, और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं जिन भी लोगों में ये घिरे हुए हैं उन्हें अपना कम्फर्ट जोन मान रखा है, लेकिन उनके साथ रहकर भी ये पर्सन अपने आप को एक दर्द में एक तकलीफ में पा रहे हैं और अब दिल में यही इच्छा जाग रही है कि ये इससे बाहर निकले, उस तरफ बढ़े जहां पर इनका दिल इन्हें लेकर जा रहा है। और वो कहां लेकर जा रहा है? आपसे जुड़े हुए सपने की तरफ। लेकिन ये चीजें जितनी सोचनी आसान है, जितना इसे महसूस करना आसान है, उतना ही ज्यादा इस तरफ बढ़ना इस इंसान को काफी ज्यादा डिफिकल्ट महसूस हो रहा है। और यही चीजें इस इंसान को अपनी ही जगह पर थमने के लिए, रुकने के लिए भी बोल रही है, उस तकलीफ को, उस दर्द को पीने के लिए भी इन्हें बोल रही है। तो वो एनर्जी इस इंसान की है जो ये इनके थ्रू महसूस करी जा रही है। यानी कि देखो, आपको लेकर इस इंसान के दिल में ये इच्छा डेवलप हो रही है कि आपसे बात करें, आपकी तरफ बढ़े, अपने इस सपने को जो आपसे जुड़ा हुआ है उसे पूरा करें, लेकिन उसे पूरा कर नहीं पा रहे हैं। तो आंखों से वो दर्द, वो तकलीफ निकल रही है और बाहर से सभी लोगों के जैसा बनने की कोशिश करी जा रही है। और इसी जगलिंग की वजह से, इसी कंफ्यूजन की वजह से ये इंसान अपनी जिंदगी में कुछ एडवेंचर करने की बजाय, कोई कदम, कोई एक्शन उठाने की बजाय हर एक कदम अपनी ही जगह पर फूक फूक कर रख रहे हैं। हर एक कदम इनके थ्रू बहुत ज्यादा सोच कर इवेल्युएट करके रखा जा रहा है। इवन यहाँ पर ये भी चीजें पॉसिबल हैं कि कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सोचा जा रहा है, कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये ना कर लें जिसका गिल्ट इन्हीं के ऊपर आकर पड़े। हो सकता है यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी कि एक वक्त पे इस इंसान ने यही मिस्टेक करी, इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जिन शब्दों का भुगतान, हर्जाना जो है ये आज तक चुका नहीं पा रहे हैं, उसका गिल्ट का पिटारा अभी तक ये पर्सन अपने कंधों से, अपने सीने से उतार नहीं पा रहे हैं। तो वो इनकी एनर्जीज है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा सब्र करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, बहुत ज्यादा अपने आप को अपने आप में रखने की, सेल्फ ओरिएंटेड बनने की, सेल्फ वर्क करने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन सुई जो है इस इंसान की वहीं पर अटकी पड़ी है, या दिल जो भी है इस इंसान का वहीं पर अटका पड़ा है, जिससे खुद नहीं चाहते बाहर निकलना। ठीक है, अगर खुद चाहते हो तो बात भी अलग है, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहते आपकी यादों से अपने आप को बाहर निकालना। चलिए अब टैरो से देखती हूँ व्यूअर्स कि इन सभी चीजों को लेकर जो भी डाउट्स बनते हैं ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं वो हम देखते हैं टैरो से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए सपने को लेकर इस वक्त में और कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है व्यूअर्स स्ट्रेंथ। बेसिकली इस इंसान के दिल में ये चीजें ज्यादा चल रही हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं कि इनके पास किसी भी वे में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो आत्मविश्वास ही अपने अंदर बना नहीं पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे जो इस सपने को जीने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए इन्हें चाहिए। इवन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब इनके अंदर उतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची कि इस सपने से अपने आप को बाहर निकाल पाए। इस सपने को पूरा करना तो इन्हें बहुत दूर का टास्क, बहुत
दूर की चीजें दिख रही हैं, ये सपने से जो इनके लिए कभी एक वक्त आसान रास्ता हुआ करता था वो भी इनसे नहीं हो पा रहा, तो कुछ उस तरह की सोच इस पर्सन की इस वक्त में बनी हुई है। अपने आप को हर तरफ से ये इंसान जो है वो हारा हुआ पावरलेस मान रहे हैं खुद से। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो कि इनका अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आप पर भी खुद का कंट्रोल नहीं बचा है। यही चीजें इस इंसान को हर तरफ से एकदम हेल्पलेस बना रही हैं। वो इनकी फीलिंग्स, वो ये महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। देखते हैं किस तरह का कंफ्यूजन इस इंसान के दिल में इस वक्त में चल रहा है, जो इन्हें उदास कर रहा है, जो इस इंसान को तकलीफ भी दे रहा है, एक डर में भी लेकर जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आखिर अब किस तरह का ये कंफ्यूजन कर रहा है परेशान। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एम्परर, देखिए व्यूअर्स यहाँ पर ना मुझे ये चांसेस ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं कि जिस जगह पर ये इंसान रहते हैं वहां के आसपास के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल, काफी ज्यादा इमोशनल लेस हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसान ने एक वक्त पे उन्हीं लोगों के जैसा बनना चाहा या उन्हीं लोगों को अपनी फ्यूचर की, अपने आज की हर एक जो लीड है वो उन्हीं सौंप दी, या कोई अथॉरिटिव पर्सन का ही यहाँ पे बोलबाला है जो इस इंसान को कन्फ्यूजन में भी रख रहा है और इन्हें तकलीफ भी दे रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में जाना है, और उनके कंट्रोल में रहने की वजह से ये चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहे, या अपने लिए ये पर्सन आवाज नहीं उठा पा रहे, और इसी रीजन की वजह से इन्हें तकलीफ पहुंच रही है। और यहाँ पर क्योंकि ये समझ रहे हैं ना ये आपको पूरी तरह से छोड़ पा रहे हैं और ना ये पूरी तरह से अपने आज को या इन लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, जबकि एक वक्त यही वो इंसान बने थे जब इन्होंने ही इन लोगों को चुना था और आपको इन्होंने कहीं ना कहीं ना बोली थी। अब इसी इंसान से यही लोग एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं दिल से, मन से, तो वो चीजें इनके दिल में हैं जो अब इन्हें तकलीफ दे रही हैं। राइट कीजिए, बताइए डिवाइन आपके व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के एडवेंचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जो इन्हें हील करेगी। आखिर किस तरह के एडवेंचर के बारे में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सोचा जा रहा है इस वक्त में। प्लीज रिमाइंड मुझे गाइड कीजिए। टू ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ये जो एडवेंचर की बात हो रही है, हीलिंग की बात हो रही है जो इनके दिल में बहुत ज्यादा चल रही है, वो अपनी उस प्यार की तरफ बढ़ने की चाह डेवलप हो रही है जहां पर इन्हें बैलेंस मिला करता था, जहां पर इन्हें प्यार मिलता था। वहां पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक पर्सन बोल रहा है या बोल रही है, दोनों वहां पे इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो ये पर्सन ना उस चीज को समझ पा रहे हैं कि अगर ये इस तरह का एडवेंचर करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली ये ना धीरे धीरे करके अपने आप से हील हो जाएंगे। फिर इन्हें अपने दिमाग पर, दिल पर किसी भी तरह का जोर नहीं लगाना पड़ेगा, या किसी भी तरह से दर्द इन्हें अपने हिस्से आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर चीजें ना अपने आप से होती हैं आपके साथ रहकर, इस रिश्ते में बंध कर। तो ये उस तरह की एडवेंचर के बारे में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं खुद ब खुद, कि अगर ये आपके साथ फिर से रीयूनाइट होते हैं, फिर से आप लोग रीयूनाइट हो जाते हो, एक दूसरे के साथ हो जाते हो, तो डेफिनेटली चीजें अपने आप हील हो जाएंगी, क्योंकि आपका ऑरा, आपका साथ, ये रिश्ते में बात ही कुछ ऐसी है, मतलब एक पॉजिटिविटी इन्हें समझ में आती है। क्योंकि देखो आपका ये जो भी रिश्ता है ये सोल लेवल का तो है, एक सोल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलता है आपको भी। इस पर्सन के पास आकर एक वक्त पे वो सोल सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो ठीक है, मेरी जो जर्नी थी वो यहाँ पर पूरी हुई। और कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसके बारे में इनके थ्रू सोचा जा रहा है। इतना कुछ समझने के बावजूद भी व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों ये आइसोलेशंस में हैं? इतनी तकलीफ मिलने के बावजूद भी व्यूअर्स के पर्सन का इस तरह से आइसोलेट होने के पीछे का रीजन बताइए डिवाइन। फाइव ऑफ कप्स,
वो अफसोस, वो गिल्ट जो इस इंसान को वहीं पर रुक कर रोने के लिए तो फोर्स कर रहा है, लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा या इन्हें पीछे वापस आने नहीं दे रहा, तो ये मुझे रीजन दिखाई दे रहा है। यानी कि इस इंसान के थ्रू अपने आप को एकदम अकेला इमोशनली वे में पाया तो जा रहा है, लेकिन इन्हें ये चीजें ज्यादा परेशान कर रही है कि वक्त यहाँ पर जा चुका है। इन्होंने वो वक्त खो दिया है जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे की बातों से सहमत हो सकते थे, आप इन्हें समझ सकते थे, आप इन्हें इनके साथ समझौता कर सकते थे। और आज तो डेफिनेटली इस इंसान से अपना एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, और यही रीजन बन रहा है कि बजाय यहाँ पे मुंह से शब्द निकलने के इनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। यानी कि भावुक होने के पीछे का रीजन यहाँ पर यही है कि जिंदगी ना इन्हें किसी भी तरह से मूव करते हुए नहीं प्रतीत हो रही है, नहीं फील हो रही है, ना आगे बढ़ते हुए दिख रही ना पीछे, वहीं थमी हुई नजर आ रही है, और यही चीजें इस इंसान को आइसोलेट कर रही हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। द मून बॉटम इज किंग ऑफ कप्स। इंतजार तो करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की यहाँ पर है कि जैसे होता है ना, इंसान को लगता है कि मेरी बैकबोन, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं रही है, वो जो कि थे आप, ठीक है, वो एहसास ही नहीं है कि बिना रीढ़ की हड्डी के, बिना बैकबोन के कोई कैसे रह सकता है और कितने दिन रह सकता है। तो वो चीज़ें, वो एहसास इस इंसान को इस वक्त में तोड़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ना इस इंसान के फूक फूक कर कदम रखने और बहुत सोच समझ कर बोलने के पीछे का रीजन बस इतना है कि ये पर्सन नहीं चाहते बिना किसी प्रिपरेशन के आपका सामना करना, ठीक है। यानी कि ये पर्सन उस एनर्जी में है कि ये गिल्ट इस इंसान को आपके सामने आने नहीं देगा। जब जब आपकी तरफ आने की सोची जा रही है, सपने को जीने के बारे में सोचा जा रहा है, तब तब ये गिल्ट इनके पैरों को रोक देता है, तब तब ये गिल्ट इन्हें ना कहीं उस अंधेरे की तरफ ले जाता है जहाँ पर ना आप इन्हें देख पाओगे, ना ये आपको दिख पाएंगे। तो वो एनर्जी, वो एहसास है इस पर्सन का इस वक्त में। इमोशनल डेफिनेटली इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा हुआ जा रहा है, और वही इमोशंस इस इंसान को, वही जज्बात इस इंसान को आपका इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखती हूँ इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं आप। गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड, प्लीज कम बैक। तो इस इमोशंस के साथ अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि प्लीज वापस से मेरी जिंदगी में लौट आओ। आई वंडर इफ यू स्टिल वॉन्ट मी, आपसे कहना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा चिंतित हैं ये पर्सन इस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा डर है इनके दिल में इस चीज को लेकर कि पता नहीं अब आप इन्हें चाहते भी हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि ये तो आपको चाहते हैं। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू, तो आपसे कहना चाह रहे हैं, जानते हैं, समझ पा रहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ गलत आपके साथ करा। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या थे, क्या बन गए थे, जिसे इन्होंने सही वक्त पर पहचाना नहीं, एक तोहफे थे जो यूनिवर्स के थ्रू दिए गए थे। यू आर सो अमेजिंग कुक, हो सकता है आप इनके लिए कुछ खाना वगैरह बनाकर इन्हें देते थे, और कहीं ना कहीं वो खाना इस इंसान को याद आ रहा है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट यू, ये बस और बस आपको चाहते हैं। तो यहाँ पर यही देख लेते हैं, अगर इतनी ही चाहत इनकी है आपको लेकर जो उमड़ रही है, तो क्या ये चाहत इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगी या नहीं, और किस वे में इस पर्सन को ये चाहत इनकी आपकी तरफ लेकर आएगी, ये देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की चाहत व्यूअर्स की तरफ उन्हें लेकर आएगी या नहीं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। द हेरोफेंट बॉटम इज सेवन ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की ये चाहत व्यूअर्स के पर्सन की तरफ उन्हें लेकर आएगी या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम इज एस ऑफ पेंटिकल्स,
क्या व्यूअर्स के पर्सन की ये चार्ट व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ लाएगी या नहीं। द फूल एंड बॉटम इज क्वीन ऑफ हैंड्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना कहीं इनकी चाहत, इनकी कैलकुलेशंस इन्हें डेफिनेटली आपकी तरफ लेकर तो आएगी, लेकिन ऑब्वियसली जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे उससे पहले ही अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आएंगे, यानी कि उन सभी सवालों का जवाब इनके थ्रू यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। जो सवाल शायद आप इनसे पूछोगे, जो आपके मन में इनसे पूछने की वजह से चल रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और इवन एक लॉन्ग स्टेबिलिटी का ऑफर ही इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले ये पर्सन ना आपके हर उन सवालों का जवाब ढूंढते हुए, उन्हें कैलकुलेट करते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इस इंसान को ना बोलने के लिए तैयार भी कर सकता है। तो एक ऐसा ऑफर ये पर्सन आपकी तरफ लेकर बढ़ने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, जिसमें आप इन्हें ना बोल पाओ, जिसमें ये आपके हर एक सवाल को एक सॉलिड वे में आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। बात आती है वक्त की। देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ना 7 वीक्स की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है कि 7 वीक्स इस इंसान को लग जाएंगे आपके उन सवालों का जवाब ढूंढने में और आपकी तरफ एक सॉलिड वे में ऑफर लेकर आने में। तो इतना वक्त डेफिनेटली इस इंसान को चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।